नो डाउट ट्रेमेंडेंस इनिंग्स खेली है विराट कोहली ने, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, इस क्रेडिट जाता है विराट कोहली को और आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी वही होंगे। फिर रिलैक्स हो गए, कोई टेंशन, विराट कोहली के फेस पे कोई टेंशन नजर नहीं आती, आराम से इधर छक्के मार उधर छक्के मार, बस उसके अल्फाज यही है वो पाँच जो दुनिया के सबसे पाँच बड़े प्लेयर है ना उसमें आता है विराट कोहली। विराट कोहली कैसा बैट्समैन यार, माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि तारीफ के काबिल है वो, माशाल्लाह क्या वो बैट्समैन है, और उसने वो दिखाया, उसने पूरी टीम संभाली है। कोहली यार कर गया खेल, स्कोर जो किया उसकी वजह से हार गया उस, वो यार देखो उसको 19वें ओवर में हंस रहा है वो, उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो शॉट भी मार रहा है, कोई उसमें प्रेशर नजर नहीं आ रहा, आगे आरएस रोफ लगा हुआ है, छक्के देखो फ्लिक कैसा लगा शाहीन, उनको हंस मार रहा है, पता नहीं अच्छे लगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट फैसल उमर एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। आज किंग कोहली जो है वो इंडिया के दिलों पे भी छा गए हैं और पाकिस्तानियों के दिलों पे भी छा गए हैं। पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि विराट कोहली कैसा प्लेयर है, और विराट कोहली ने आज जो पाकिस्तान से मैच छीना है, जो कि पाकिस्तान की झोली में जा रहा था मैच, 50-52 बॉलों पर उसने 80+ स्कोर जो कर दिया है, ये पाकिस्तानी दिल को कैसा लगा है, उनके दिल को उसने उदास किया है, या वो विराट कोहली को दोबारा उस फॉर्म में देखकर खुश हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो क्यों हारा है, और पाकिस्तान का कह रहे थे कि कोहली का दी एंड हो जाएगा, कैरियर ख़त्म हो जाएगा, उसका कैरियर तो मुझे लगता है अभी शुरू हुआ है। तो पाकिस्तानियों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि विराट कोहली ने क्या किया आज पाकिस्तानी टीम के साथ, इंडिया कैसा खेला, विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, कैसा प्लेयर है, कह रहे थे ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया, उसका कैरियर एंड। नो डाउट ट्रेमेंडेंस इनिंग्स खेली है विराट कोहली ने, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, इस क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, और आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी वही होंगे। हाँ। और अच्छा खेला है। और लगता था कि विराट कोहली इतने अरसे से फ्लॉप थे तो उसका करियर ख़त्म, नहीं आगे बैक करेगा? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, एक अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, नो डाउट, ऊपर नीचे आता रहता है बंदा का। 80 स्कोर हमें ले डूबे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली। अगर ये विराट कोहली देख रहा हो तो क्या दोगे जो उसने आज पाकिस्तान के साथ? नहीं, मैं यही करूंगा, पूरी इंडियन जो कौम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, स्पेशली विराट कोहली को, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। स्पेसिफिक विराट कोहली पे आ जाते हैं कि विराट कोहली ने 52-53 गेंदों पे 80+ स्कोर किया है, 100 मैच वो लेके निकल के साथ उसका साथ हार्दिक। विराट कोहली की इस इनिंग पे आपका क्या रिएक्शन? विराट ने अच्छा खेला, वेल प्लेड जी। विराट बैट्समैन कैसे? वो अच्छा बैट्स कहते थे कि वो जो है वो फ्लॉप हो गया, उसकी फॉर्म चली गई है, वो ये हो गया, विराट कोहली ख़त्म हो गया, विराट कोहली तो पीछे से ज़्यादा ताकतवर हो गया जी, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, वो तो कोई बात नहीं अगले मैच में। अगर विराट कोहली ये वीडियो देख रहा हो तो क्या कहोगे? विराट कोहली को यही कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ना चला करे। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया जी। की परफॉर्मेंस पे विराट कोहली पहले बताओ कैसा बैट्समैन? वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। अच्छा, ये बताओ कि विराट कोहली का कैरियर, कह रहे थे कि दी एंड हो गया, लेकिन विराट किंग कोहली इज बैक अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने रगड़ा लगाया भी किसको? लगाया भी पाकिस्तान को। हाँ सही बात है, हमें तो नहीं लग रहा था उसका करियर बर्बाद हो गया, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है। दुनिया कह रही थी कि विराट कोहली दी एंड, दुनिया कह रहे थे उसके फैन तो नहीं ना कह रहे थे, लेकिन पहले फैन हो विराट के बहुत बड़ा। आज की इनिंग पे क्या कहूँ मैं तो, उसने हमको छिल के रख दिया, छिल के रख दिया जिस तरह छिल माल्टा छीलते हैं, या नींबू छीलते हैं, या कोई और आलू छीलते हैं, इस तरह उन्होंने छील के रख दिया। पाकिस्तानी बॉलिंग नु छिल के रख, छिल के रखता है पाकिस्तानी बॉलिंग, डेंजरस अटैक इन द वर्ल्ड वाले को डेंजरस, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिधर बॉलिंग को मदद मिलती, तो हमारी बॉलर्स काफ़ी तेज थे, उनको छिल के रख दिया आज उसने। एंड पे विराट कोहली के लिए कोई लाइन आज की इनिंग के लिए? यार आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, मेरी तो दुआ दुआ आपके साथ इसी तरह, अपनी टीम के लिए अच्छा खेले, हमारी टीम के लिए भी दुआएंगे, आगे जीते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, खेले अच्छा खेले, खेले अच्छा, वो खिलाड़ी है वो खेले। हाँ। हमारे बॉलर के लिए उसे आउट करे, क्योंकि वो खेलेंगे ये आउट करेंगे, जान लगानी पड़ती है मैच के दौरान, उन्होंने आखिर में जान लगाई, जैसे कि 10 ओवर में उनका 50 था, स्टार्ट मैच बना के एंड पे रिलैक्स हो गए, कोई टेंशन, विराट कोहली के फेस पे कोई टेंशन नजर नहीं आती, आराम से इधर छक्के मार उधर छक्के मार, उसको पता था हमने जीत जाना है वो, क्योंकि पहले जब वो आया था ग्रीस पे उसने सेट हुए उसका नाम किंग कोहली, ठीक है किंग कोहली, ठीक है किंग कोहली है, किंग कोहली है, आज उसने साबित कर दिया, अपने अकेले ने मैच जिता दिया अपनी टीम को, ठीक है थैंक यू। उसके हम पे बाड़ी पार गए थे, बाड़ी पार गए जी, छिल के रख दिया, छिल के रख दिया पूरी तरह, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, बात करेंगे सिर्फ विराट कोहली पे, विराट कोहली कैसा बैट्समैन? विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, कभी कभी वो कर लेता है। दुनिया कह रही थी कि विराट कोहली का कैरियर दी एंड, विराट कोहली फ्लॉप, विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन वो तो फिर से दोबारा जिंदा हो,
वो फिर ऊपर नीचे होता रहता है, ताहिर ऐसे ही है। कोहली किंग कोहली, आज की इनिंग पे क्या कहोगे? अच्छी थी आज की। हाँ जी, इंप्रेस किया, बिल्कुल किया इंप्रेस। पहले भी कभी कभी कर देता है, लेकिन आज भी किया। हाँ जी, पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं? जाहिर है, इंशाल्लाह जरूर। विराट कोहली को अगर डिफाइन करना हो तो विराट कोहली को किस लाइन में डिफाइन किया जाए, क्या अल्फाज यूज करेंगे? बस उसके अल्फाज यही है, वो पांच जो दुनिया के सबसे पांच बड़े प्लेयर है ना, उसमें आता है विराट कोहली। आज की इनिंग्स से उसने इंप्रेस किया है? आज की इनिंग्स में किया है। वैसे भी उसका खौफ रहता है हर टीम को, जब तक खड़ा है कि ये कुछ खड़ा है वो कुछ भी कर सकता है। हमें यही डर था कि सिर्फ ये आउट होना चाहिए, वो हार्दिक पांड्या बेशक एंड तक रहे, ये रहा एंड तक, तो उसने देख लें आप 16 की जो थी, 50 बॉलों पे 80 प्लस स्कोर, 50 बोले उसके बाद, फिर बाद में आपने देखे ना 48 स्कोर था 18 बॉलों पे। हाँ। वो किया उसने, वो सबसे हमारे तगड़ा बॉलिंग अटैक, डेंजरस बॉलिंग वाली 150 स्पीड पे बॉल करने वाले प्लेयर जो है ना, उसको आउट नहीं कर सके। क्यों भला ये समझते रहे कि हम शॉर्ट पिच बॉल देंगे, वो हम कैच ले लेंगे, उसको याद करते, उसको फंसा के रखते, उसको आउट करने की कोशिश करते हो जाना था। विराट कोहली कैसा बैट्समैन यार, माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि तारीफ के काबिल है वो, माशाल्लाह क्या वो बैट्समैन है। और उसने वो दिखाया, उसने पूरी टीम संभाली है, 10 ओवरों में 60 बॉलों में इन्होंने 45 स्कोर बनाए, ठीक है, और 4 विकेट इनकी गिरी हुई थी, ठीक है। अब लास्ट में देख लें कि 18 बॉलों में 50 स्कोर चाहिए था, ऐसे ही है कि यानी कि आप देख लें कि वो कैसे वो, लेकिन वो रिलैक्स रहा है, तो प्रेशर इन पे अभी कोई प्रेशर फील नहीं करवाया कि हम पे प्रेशर, उन्होंने तो ऐसे मारा, कह रहे थे कि कोहली का करियर खत्म हो गया, वो फ्लॉप हो गया है। पिंट में वो औरतें थापियों से वो कपड़े धोती हैं ना, उन्होंने ये हिसाब किया इनके साथ, पाकिस्तान टीम को धोया है। हाँ जी, और इनमें शेम है इनपे, कहते दुनिया का डेंजरस वर्ल्ड अटैक है फास्ट बॉलिंग। मैं कह रहा हूँ कि सब बेकार। कोहली की इनिंग पे क्या कहेंगे? कहते थे विराट कोहली का करियर दी एंड, विराट कोहली फ्लॉप हो गया, विराट कोहली के लिए आखिरी वर्ल्ड कप, वो तो बल्कि नया हो के आ गया है। मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पाकिस्तानियों ने के बॉलर ने उनको फ्लॉप किया था ना कि आते ही आउट कर दिया, आज हमने ही उसको एक ऐसी इनिंग दे के उसको जिंदा कर दिया है। विराट कोहली एक बेहतरीन बैट्समैन है, नहीं बैट्समैन तो वो है। उसकी इनिंग ने इम्प्रेस किया आपको? आज उसकी इनिंग्स में एक तो इम्प्रेस किया, लेकिन फिर उनका लक, वो जो आप मगर नौ बॉल के लिए जैसा भी कह लें तो फिर लक उनके साथ चला गया। आप लक नहीं कह लें, आप ये कह लें कि भाई आप देखें जब उसने आगे बढ़ा है ना, शॉट मारी है तो विराट कोहली ने कहा नौ बॉल, उसके बाद अंपायर ने कहा नौ बॉल, नहीं तो आपको पता है जो मगर पहले होती शॉट अभी तक बाउंड्री से बाहर नहीं गई, उसने मगर पहले कह दिया नौ बॉल। अगर इसी पर आप मगर गौर करें कि जो नौ बॉल होती है, अभी वो बॉलर कराता है बैट्समैन मारता नहीं तो अंपायर कहता है नौ बॉल, या उस पर मगर ले लेता है भाई एज ए मगर थर्ड अंपायर को जाना है, अंपायर की तरफ गया ही नहीं, गया ही नहीं, उसने शॉट मार दी, मार दिया शॉट मगर आसिफ के पास जा रहा है, लेकिन उसने क्या किया उसके ऊपर मगर पहले कह दिया नौ बॉल, तो उसके ऊपर क्या हुआ, उसने फिर साथ ही ले लिया। पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं इंशाल्लाह? उम्मीदें कम होगी? नहीं, इंडिया पाकिस्तान का आगे मगर टाकरा होगा, कोई नहीं, इंशाल्लाह हम मगर जाएंगे फाइनल में, आगे जो भी हो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। विराट कोहली कैसा बैट्समैन? विराट कोहली यार, आज हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने हमें बता दिया है कि अगर 4 आउट हो भी जाए तो हम कैसे जीते। नहीं, हार्दिक पांड्या ठीक है, नॉर्मल था, कोहली यार कर गया खेल, स्कोर जो किया उसकी वजह से हार गए। वो यार देखो, उसको 19वें ओवर में हंस रहा है, वो उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो शॉट भी मार रहा है, कोई उसमें प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, हारिस रौफ लगा हुआ है, नसीम देखो फ्लिक कैसा, शाहीन उनको हंस हंस मार रहा है, पता नहीं यार अच्छे लगे हुए। और उसका करियर खत्म हो गया है, कोहली का दी एंड है, कोहली अब नहीं आएगा, वो तो दोबारा से आएगा यार, वो पता नहीं कैसा बंदा है, पाकिस्तान से ही उसकी परफॉर्म आती है, एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ है। अब मेरे ख्याल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसने परफॉर्म कर लिया, आगे से इसने कुछ नहीं करना, फिर जब पाकिस्तान के सामने आएगा फिर कुट देगा, इसने फिर ऐसे ही करना। विराट कोहली, तुम पाकिस्तान के दिल तोड़ना, बल्कि पाकिस्तान के तुम दिल तोड़ रहे हो, पाकिस्तानी अवाम तुम्हें दिल में बिठा रही है। विराट कोहली की बैटिंग पे क्या कहेंगे यार? कोहली नो डाउट लेजेंड है, कहते थे उसका करियर एंड हो गया, ये फ्लॉप हो गया, करियर जब भी एंड होगा जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा विराट कोहली आएगा, फिर करियर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान है ये शुरू करा देंगे, कह शुरू करा देंगे। विराट कोहली नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है, विराट किंग कोहली है, आज की इनिंग ने इंप्रेस किया पाकिस्तानियों को? मैं इतना नहीं था इंप्रेस पहले विराट कोहली से, पर आज हो गया, आज हो गया मैं।